मिस्टर चड्डा का हवाई सफर। वाह, क्या कैच पकड़ा है। कुछ भी कहो, क्रोस के कैचिंग पावर भी कमाल की होती है। लेकिन ये कौवे लोग इतना शोर क्यों करते हैं? वो शोर नहीं करते, बल्कि आपस में बातें करते हैं। उनकी बातें हमें शोर लगती हैं। तुमने ठीक कहा वीर, हर एनिमल और बर्ड इवन इंसेक्ट्स की अपनी भाषा होती है। ये लो। अब जम के ब्रेकफास्ट करो तुम लोग। लगता है आज जॉगिंग थोड़ी कम हुई है, कल कुछ ज्यादा करूँगा। ओए, ये इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? ओए, एक्स्ट्रा जॉगिंग कल करनी है, आज नहीं। बचाओ, बचाओ! अरे भाग मिस्टर चड्ढा, भाग! अबे फिर से मिस्टर चड्ढा के साथ क्या हुआ? मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। म्याऊ, यू आर जीनियस बॉस। मोना, यू आर राइट, मैं जीनियस हूँ। अब देखो मेरे सुपर डुपर जीनियस माइंड का कमाल। टिम्बक्टू। यस बॉस। जाओ तुम मेरे बनाए हुए सारे बलून्स लेकर आओ। ये देखिए बॉस, ये रहे आपके बलून्स। अब बताओ तुम क्या करोगे? सोचो और सोच के बताओ। बॉस मैं समझ गया, हम लोग आज से बलून बेचने का नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं बॉस। हम बलून नहीं बेच रहे कद्दू इंसान, इन बलून के ऊपर बॉम्ब है और बलून्स में जहरीली गैस। तुम इसे फुर्सतगंज में रख देना और दूर जाके रिमोट से इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देना। You're genius, super duper genius, boss. ब्लास्ट से बलून्स फट जाएंगे और जहरीली गैस पूरे शहर में फैल जाएगी। यस, यस, तुमने ठीक सोचा मोना, सब खत्म हो जाएंगे, बस एक रोबोट ही बचेगा, उस पे जहरीली गैस का असर नहीं होगा, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। अंकल बलून दो, वो ग्रीन वाला, मुझे रेड वाला। चलो भागो, ये बलून बेचने के लिए नहीं है, भागो। वो बलून्स नहीं बेच रहा, फिर किस लिए आया है? कुछ तो अजीब है, देखो सब बलून्स नेट में बंद हैं। अरे हाँ, और देखो बलून्स के ऊपर क्या है? ये तो बॉम्ब जैसा कुछ लग रहा है। बॉम्ब? वो आदमी भी जाना पहचाना लग रहा है, पता करते हैं वो कौन है। आइस कैमरा ऑन, टेक फोटोग्राफ। आइस कैमरा ऑन, टेकिंग फोटोग्राफ। वर्चुअल स्क्रीन ऑन, मैच फोटोज। फोटोज मैच, टिम्बक्टू, टिम्बक्टू। ओ, तो टिम्बक्टू यहाँ कुछ गड़बड़ करने आया है, चलो पहले उसकी पोल खोलते हैं। भाग बेटा टिम्बक्टू, तेरी असलियत खुल गई है, मूंछ दाढ़ी सब उड़ गई है, भाग ले यहाँ से। मजा आ गया। इमली चुलबुल जल्दी से मेरे साथ आओ, कम फास्ट, हमें बॉम्ब डिफ्यूज करना होगा, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। ओए, ये बलून यहाँ कौन छोड़ गया है? किसके बलून हैं ये? जिसके हो वो ले जाए, वरना मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा। मोहल्ले वालों ध्यान से सुन लो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, फिर ये बलून अपने घर ले जाऊंगा। 1, 2, 3। अब ये सारे बलून्स मेरे हैं। चड्ढा अंकल। ये मैं उड़ क्यों रहा हूँ?
मिस्टर चड्डा अंकल को भी अभी बलून ड्राइविंग करनी थी क्या? इमली में अभी आया। अरे कोई मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, हेल्प मी, मुझे बचाओ। घबराओ मत अंकल, मैं आ गया हूँ, अब आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू वीर, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे आने के बाद मुझे और डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे अंकल, पैंट में बेल्ट तो बांध लिया करो। ओहो, मैं हूँ जिन। कहो क्या काम नहीं हो पा रहा मेरी बिन? मुझे जल्दी से ऊपर आसमान में लेकर चलो। ओके बॉस। ये जिन तो भी ना। ओह नो, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? जहाँ आपने बोला, ऊपर आसमान में। अरे यहाँ नहीं, मुझे वहाँ जाना है जहाँ मिस्टर चड्डा अंकल है। ओके, तो ऐसा बोलना था ना, ये लो। ये कहाँ ले आया? उफ, अरे यहाँ नहीं, मिस्टर चड्डा अंकल यहाँ नहीं है, वो ऊपर आसमान में बलून्स के साथ उड़ रहे हैं, उनका पीछा करो जल्दी। ओके। अब ये कहाँ गया? मिस्टर चड्डा अंकल का पीछा करने। ओह नो, मुझे भी तो साथ लेकर जाना था। ये नहीं सुधरेगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये लो, ये पहन लो। अरे जल्दी करो। ये तुम क्या बना रहे हो? चुलबुल मान भी जाओ, चड्डा अंकल को बचाना है। इमली तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। मैं भी चलूंगी। ओके आ जाओ। ये क्या हो रहा है? वीर, मैं मिस्टर चड्डा का पीछा बहुत दूर तक करके आया। अरे वीर कहाँ जा रहा है? मम्मी, वीर हवा में उड़ गया। उफ, ये बंटी भी ना, ये नहीं सुधरेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी, वीर हवा में उड़ गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, वीर हवा में उड़ गया तो नमस्ते क्या उसका भूत कर रहा है? चल आज तेरा भूत उड़ाती हूँ मैं। सच कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं। वीर, ये तुमने मुझे क्या बना दिया? समझ ही नहीं आ रहा कि मैं साइकिल हूँ या प्लेन। ये फ्रेंड्स, किसी आदमी को बलून में लटके हुए देखा है क्या? हाँ, उस तरफ गए हैं। अरे ये डंकी लोग कब से उठने लगे हैं? कितना फनी लग रहा है। चुप रहो, इसमें फनी क्या है? अभी दुलाकी मारूंगा, चलो भागो यहाँ से। अंकल आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, अब मैं आ गया हूँ ना। अब तक तो इतनी घबराहट नहीं हो रही थी, पर अब तुम आ गए हो तो ज्यादा घबराहट होने लगी है। ओ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अरे ये तो इसी तरफ आ रहा है, बचाओ। हेल्प, हेल्प।
वीर वीर, तुमने ये सब कैसे किया? यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे किया वीर? इन्होंने जो कुछ देखा सब भुला दो। अगड़म बगड़म आलम फालम या तुम्हारी खो जाए, जो कुछ ऊपर देखा तुमने या तुम्हें ना कुछ आए। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीर। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब याद नहीं आ रहा है, मैं जरा बंटी की मम्मी से पूछ कर आता हूँ। अजी सुनती हो, बंटी की मम्मी कहाँ हो? तुम नाम के ही नहीं सचमुच के वीर हो।